मथुरा के छाता कस्बा में गिन्नी फिलामेंट कंपनी के कॉटन के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की कॉटन जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाते हुए एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। गोदाम में लगी आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं मौके पर पहुंचे जिला फायर ऑफिसर प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि नेग्लिजेंसी से आग लगी है। इनका पूरा डंप यार्ड भरा पड़ा था, हाउस कीपिंग बहुत ही पुअर है और यहाँ पर जब हमारी टीम पहुँची तो पूरे गोदाम के अंदर आग फैली हुई थी। तो अभी आग अंडर कंट्रोल है, एक ही गोदाम में उसको कंटेन कर लिया गया है और हमारे जो लड़के हैं काफ़ी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, जो यहाँ की एक जो स्पॉट मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ना ही कोई यहाँ पे इनका फायर ऑफिसर है, बल्कि हमने पहले भी इनको लिख के दिया था कि एक फायर ऑफिसर आपका यहाँ पे एक क्वालिफाई ऑफिसर होना चाहिए जो कि एक टीम मैनेज करे और इनकेस अगर इस टाइप की कोई घटना होती है उसमें तत्काल कार्रवाई करें।